यू यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के अंडर बहुत सारी वैकेंसी आई है तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस जॉब वैकेंसी अंडर यू इंडिया लेट्स स्टार्ट दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यू इंडिया वी नो डेट द यू एन डी पी वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सेवेंटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स

कुछ घंटे का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे जो मिडनाइट न्यूयॉर्क यूएसए का जो टाइम है उस वो फॉलो होता है इसके अप्लाई के लिए तो आप दे विश्व में कहीं हो वर्ल्ड में कहीं भी हो तो आप इसके टाइम जोन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं यानी कि अभी यहाँ पर अपने हिसाब से तो अपने यहाँ इंडिया के टाइम के हिसाब से मात्र चार घंटा बचा है पंद्रह तारीख खत्म होने में लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से अभी फोर्टीनथ आवर एट मिनट्स बचा हुआ है यानी कि इसको आप अप्लाई कर सकते हैं लेट नाइट को भी तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पोजीशन है वो होगा आपको बेंगलोर के लिए और इंडिविजुअल कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पे है नेशनल कंसल्टेंट के लिए है और सिक्स मंथ के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा अप्लाई नाव पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे यू के बारे में बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है आप देख सकते हैं कई सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए हैं जो कि आपको इस पोस्ट पर करना होगा यहाँ पे कई सारे अदर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि आपको किस तरह से काम करना है क्या है ईच एंड एवरी तो आप इसको जरूर देखें अच्छे से पढ़े मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज़ डेवलपमेंट स्टडीज साइंस डेवलपमेंट प्लानिंग मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट और एम इन फाइनेंस मार्केटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ई तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है किसी भी सोशल साइंस स्ट्रीम से या सोशल स्टडीज से या डेवलपमेंट साइंस से या फिर रूरल डेवलपमेंट से तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत ऐसे एम कैंडिडेट होते हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन होता है तो वो इसको बेहिजक अप्लाई कर सकते हैं बसरते उनके पास मिनिमम ऑफ फाइव ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग वैल्यू चेन डेवलपमेंट मार्केटिंग लिंकेज फॉर द एग्रीकल्चर कॉम्योडिटी ट्रेडिंग प्रोड्यूस होना चाहिए तो इस तरह का उनके पास इवेल्यूशन का एसेसमेंट का प्लानिंग का मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग का इम्प्लीमेंटेशन का ये सब हुनर होना चाहिए तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका यहाँ पे दिया गया कि आपको यहाँ पे सबसे नीचे अप्लाई ना पे जाके आपको अप्लाई करना है बहुत सारा इसमें कॉलम आ गया पर्सनल डिटेल्स मार्क्स को लेके एक्सपीरियंस को लेके और आप क्यों इसमें इंटरेस्टेड है ये सब आपको लिख के सबमिट करना है ऑनलाइन तो अभी भी आपके पास पंद्रह घंटे का टाइम है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं चलिए अब दूसरी वैकेंसी को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ईच एंड एवरी जॉब वैकेंसी के पहले जॉब आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फिर डेट ऑफ पोस्टिंग होते हैं और किस टाइप का ये फुल टाइम है पार्ट टाइम है वो होता है और यू का एक ग्रेड होता है हर जॉब के लिए वो ग्रेड दिया गया रहता है किस एरिया में है तो ये जो वैकेंसी है वो पब्लिक हेल्थ के एरिया में है तो यहाँ पे हेल्थ लिखा गया है फिर ड्यूरेशन दिया गया दिया जाता है ये जो जॉब है इसका ड्यूरेशन टू ईयर है और ये एक्सटेंडेबल नेचर का है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मैंडेटरी है लोकेशन न्यू दिल्ली के लिए है और आपको इसको अप्लाई करना है इक्कीस नवम्बर से पहले ये वैकेंसी प्रोग्राम एसोसिएट पोस्ट के लिए और यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है एक एक करके आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सी सी एंड सी इफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर आर टूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनेजमेंट टारगेट ये इसका है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं कई सारे हैं वी विल नॉट डिस अबाउट ईच एंड एवरी क्राइटेरिया सो मूव टुवार्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस वैकेंसी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इफ़ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल देन इट इज़ द सेकेंडरी एजुकेशन प्रिफर्डली विद स्पेशन सर्टिफा सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ए बैचलर डिग्री इन बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस एंड द सोशल साइंस विल बी गिवेन ड्यू कंसिड्रेशन यानी कि यहाँ पे बी एस डब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस कहा गया है तो इसको बी एस डब्ल्यू यानी कि बैचलर इन सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे या फिर कोई भी जो बैचलर किए हो इकोनॉमिक्स से या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से या पॉलिटिकल साइंस से वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथ ही उनके पास होना चाहिए सिक्स ईयर ऑफ रिलीवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोग्राम एक्सपीरियंस इन रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विद द सेकेंडरी एजुकेशन और थ्री ईयर ऑफ रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस विद द बैचलर डिग्री अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन किया है तो आपके पास सिक्स साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपके पास तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट तो ये है इसका बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्लाइन और पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों ये पे जो है यू इंडिया का है जिसमें कई सारे जॉब वैकेंसी आए अलग अलग लोकेशन के लिए आप देख सकते हैं जैसे फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट का न्यू दिल्ली के लिए जिसका लास्ट डेट 22 नवंबर है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी लास्ट डेट 22 नवंबर है इंडिविजुअल कंसल्टेंट के लिए भी तेईस नवम्बर है इंडिविजुअल कंसल्टेंट ऑपरेशन के लिए तेईस नवम्बर बेंगलोर लोकेशन के लिए एक्सिक्यूटिव एसोसिएट टू आर एंड डी ऑफिस का जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो ट्वेंटी फोर्थ नवंबर है और ये जो लोकेशन होगा जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली होगा भुवनेश्वर लोकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए भुवनेश्वर के लिए साथ ही इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट के लिए भुवनेश्वर के लिए जिसका लास्ट डेट पच्चीस नवंबर है प्रोजेक्ट मैनेजर फिशर्स के लिए भी लास्ट डेट पच्चीस नवंबर है प्रोजेक्ट मैनेजर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर लोकेशन के लिए लास्ट डेट पच्चीस नवंबर है पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडेड स्पेशलिस्ट के लिए भुवनेश्वर लोकेशन के लिए लास्ट डेट 25 नवंबर है एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेसिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भुवनेश्वर सिटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंडिया औरंगाबाद सिटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नासिक इंडिया सिटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नागपुर प्रोडक्शन इनपुट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भुवनेश्वर क्लाइमेट चेंज मोबिलाइजर भुवनेश्वर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भुवनेश्वर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर न्यू दिल्ली एम मैनेजर और प्रोग्राम भुवनेश्वर रिसर्च एंड एवलेसन एसोसिएट न्यू दिल्ली सबका लास्ट डेट पच्चीस नवंबर और साथ ही तीस नवंबर है अट्ठाईस और तीस नवंबर तो इसमें काफ़ी वक्त है न्यू ईयर का टाइम सेटिंग होता है तो आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने कम से कम पंद्रह वैकेंसी की चर्चा की जिसमें से दस ऐसी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क फटर्निटी अप्लाई कर सकता है चलिए आपको दो तीन और दिखा देती हूँ मैं नेक्स्ट वैकेंसी आपको मैं दिखा दूँ जिसको कोई सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं वो न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए है जॉब आइडेंटिफिकेशन नंबर वन फोर है डेट ऑफ पोस्टिंग जो है वो एट्थ ऑफ नवंबर था और लास्ट डेट की बात करें तो आप इसको बाईस नवम्बर तक अप्लाई कर सकते हैं ये जो पोजीशन है इस पोजीशन के लिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं आप देख सकते हैं व्हाट आर द कॉम्पिटेंस लाइक कॉपरेट कैसा होना चाहिए फंक्शनल कैसा होना चाहिए रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट आना चाहिए पार्टनरशिप के साथ वर्क करने आना चाहिए दिज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस लाइक एजुकेशन इज मास्टर डिग्री और हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन इन इन्वायरमेंट साइंस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी यानी कि यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस दिया गया है तो इसको एम वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एम एक सोशल साइंस का स्ट्रीम है बात करें एक्सपीरियंस की तो एटलीस्ट सेवन ईयर ऑफ रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस नेशनल लेवल इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सात साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या फिर इन्वामेंट पे या पाँच साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट लेवल पे तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कई सारे वैकेंसी है आप ईच एंड एवरी वैकेंसी को ओपन करके देख सकते हैं और आपके एलिजिबिलिटी को जो सूट करे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे ये वैकेंसी है जिसमें डायरेक्ट सोशल वर्क का नाम दिया गया है पोस्ट का नाम है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए और ये लोकेशन भुवनेश्वर के लिए मांगे गए जिसमें से यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डायरेक्ट मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क है जो जॉब आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो है वन फाइव फोर सिक्स एंड लोकेशन भुवनेश्वर होगा और आप इसको पच्चीस नवम्बर से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड दिया हुआ है एक साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है यहाँ पे बैकग्राउंड दिए गए हैं यू के बारे में चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए हैं कि आपको किस तरह का ड्यूटीज़ मिलेगा इस पोस्ट के अंदर चलिए यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट इन स्किल एंड एक्सपीरियंस में दिया गया है कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है एम बी रूरल मैनेजमेंट और मास्टर इन सोशल वर्क और एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस यानी कि एम एस डब्ल्यू वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम फाइव ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग होना चाहिए एक्सक्यूचिंग होना चाहिए एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज प्रफरेंस यानी कि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास पाँच साल का होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन किसी भी फील्ड में बट अगर आपके पास प्लानिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेकर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रिफ्रेंस मिलेगा यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इज़ डिजरायबल यहाँ पे डिजराइबल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है कि आप ऑलरेडी उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो बट ये कंपलसरी नहीं है ये डिजराइबल क्वालिफ़िकेशन है लैंग्वेज की बात करें तो उड़िया एंड इंग्लिश आपको आना चाहिए इस तरह से आप जाके अप्लाई ना हो पे जा अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर जॉब वैकेंसी भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप सर्च करते हैं तो इस तरह से आपको सर्च करने में भी आसानी होती है तो गाइज यहाँ पे कई सारी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क फर्टर्निटी अप्लाई कर सकता है आप एक एक को ओपन करके देखिए उससे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कीजिए और अप्लाई कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए गाइस और सपोर्ट कीजिए थैंक यू एंड द डेडलाइन गिवेन दोस्तों डेडलाइन को लेके यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो डेडलाइन दिया गया ये यहाँ के टाइम के हिसाब से नहीं है तो आपको एक दिन और या फिर आज कुछ घंटे का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सो तो आप अगर आज का डेट अगर यहाँ पे पंद्रह नवंबर लिखा है तो इसको आप कल मॉर्निंग तक भी दोपहर तक भी भर सकते हैं तो वो मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊँगी कि यहाँ पर कौन सा टाइम फॉलो होता है इसके हेड क्वार्टर के हिसाब से होता है तो चलिए एक करके वैकेंसी को देखते हैं दोस्तों मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे जो मिडनाइट न्यूयॉर्क यूएसए का जो टाइम है उस वो फॉलो होता है इसके अप्लाई के लिए तो आप दे विश्व में कहीं वो वर्ल्ड में कहीं भी हो तो आप इसके टाइम जोन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं यानी कि अभी यहाँ पे अपने हिसाब से तो अपने यहाँ इंडिया के टाइम के हिसाब से मात्र चार घंटा बचा है पंद्रह तारीख खत्म होने में लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से अभी फोर्टीन आवर एट मिनट्स बचा हुआ है यानी कि इसको आप अप्लाई कर सकते हैं लेट नाइट को भी तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पोजिशन है वो होगा आपको बेंगलोर के लिए और इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट बेसिस पे है नेशनल कंसल्टेंट के लिए है और सिक्स मंथ के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा अप्लाई नाव पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे यूएनडीपी के बारे में बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है आप देख सकते हैं कई सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं जो कि आपको इस पोस्ट पर करना होगा यहाँ पे कई सारे अदर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि आपको किस तरह से काम करना है क्या है ईच एंड एवरी तो आप इसको ज़रूर देखें अच्छे से पढ़ें मैं बात करूँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज़ डेवलपमेंट स्टडीज़ साइंस डेवलपमेंट प्लानिंग मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट और एम इन फाइनेंस मार्केटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ई तो जो भी कैंडिडेट यहां पे जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है किसी भी सोशल साइंस स्ट्रीम से या सोशल स्टडीज से या डेवलपमेंट साइंस से या फिर रूरल डेवलपमेंट से तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत ऐसे एम कैंडिडेट होते हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन होता है तो वो इसको बेहिजक अप्लाई कर सकते हैं बसरते है उनके पास मिनिमम ऑफ फाइव ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग वैल्यू चेन डेवलपमेंट मार्केटिंग लिंकेज फॉर द एग्रीकल्चर कॉम्यूडिटी ट्रेडिंग प्रोड्यूस होना चाहिए तो इस तरह का उनके पास इविलेशन का असेसमेंट का प्लानिंग का मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग का इम्प्लीमेंटेशन का ये सब हुनर होना चाहिए तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे सबसे नीचे अप्लाई ना पे जाके आपको अप्लाई करना है बहुत सारा इसमें कॉलम आ गया पर्सनल डिटेल्स मार्क्स को लेके एक्सपीरियंस को लेके और आप क्यों इसमें इंटरेस्टेड है ये सब आपको लिख के सबमिट करना है ऑनलाइन तो अभी भी आपके पास पंद्रह घंटे का टाइम है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं चलिए अब दूसरी वैकेंसी को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ईच एंड एवरी जॉब वेकेसन वैकेंसी के पहले जॉब आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फिर डेट ऑफ पोस्टिंग होते हैं और किस टाइप का ये फुल टाइम है पार्ट टाइम है वो होता है और यू एन का एक ग्रेड होता है हर जॉब के लिए वो ग्रेड दिया गया रहता है किस एरिया में है तो ये जो वैकेंसी है वो पब्लिक हेल्थ के एरिया में है तो यहाँ पे हेल्थ लिखा गया है फिर ड्यूरेशन दिया गया दिया जाता है ये जो जॉब है इसका ड्यूरेशन टू ईयर है और ये एक्सटेंडेबल नेचर का है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मैंडेटरी है लोकेशन न्यू दिल्ली के लिए है और आपको इसको अप्लाई करना है इक्कीस नवम्बर से पहले ये वैकेंसी प्रोग्राम एसोसिएट पोस्ट के लिए और यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है एक एक करके आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सी सी एंड सी इफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर आर टूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनेजमेंट टारगेट ये इसका है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हैं कई सारे हैं वी विल नॉट डिस अबाउट ईच एंड एवरी क्राइटेरिया सो मूव टुवार्ड्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस वैकेंसी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इफ़ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल देन इट इज़ द सेकेंड्री एजुकेशन प्रिफर्डली विद स्पेशाइजेशन सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ए बैचलर डिग्री इन बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस एंड द सोशल साइंस विल बी गिवेन ड्यू कंसिड्रेशन यानी कि यहाँ पे बी वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस कहा गया है तो इसको बी यानी कि बैचलर इन सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे या फिर कोई भी जो बैचलर किए हो इकोनॉमिक्स से या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से या पॉलिटिकल साइंस से वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथ ही उनके पास होना चाहिए सिक्स ईयर ऑफ रिलीवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोग्राम एक्सपीरियंस इन रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विद द सेकेंडरी एजुकेशन और थ्री ईयर ऑफ रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस विद द बैचलर डिग्री अगर आपने सेकेंडरी एजुकेशन किया है तो आपके पास सिक्स साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपके पास तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट तो ये है इसका बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्लाई नौ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों ये पे जो है यू इंडिया का है जिसमें कई सारे जॉब वैकेंसी आए अलग अलग लोकेशन के लिए आप देख सकते हैं जैसे फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट का न्यू दिल्ली के लिए जिसका लास्ट डेट 22 नवंबर है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी लास्ट डेट 22 नवंबर है इंडिविजुअल कंसल्टेंट के लिए भी तेईस नवम्बर है इंडिविजुअल कंसल्टेट ऑपरेशन के लिए तेईस नवम्बर बेंगलोर लोकेशन के लिए एक्सिक्यूटिव एसोसिएट टू आर एंड डी ऑफिस का जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो ट्वेंटी फोर्थ नवंबर है और ये जो लोकेशन होगा जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली होगा भुवनेश्वर लोकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए भुवनेश्वर के लिए साथ ही इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट के लिए भुवनेश्वर के लिए जिसका लास्ट डेट पच्चीस नवंबर है प्रोजेक्ट मैनेजर फिशर्स के लिए भी लास्ट डेट पच्चीस नवंबर है प्रोजेक्ट मैनेजर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर लोकेशन के लिए लास्ट डेट पच्चीस नवंबर है पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडेड स्पेशलिस्ट के लिए भुवनेश्वर लोकेशन के लिए लास्ट डेट 25 नवंबर है एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेथिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भुवनेश्वर सिटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंडिया औरंगाबाद सिटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नासिक इंडिया सिटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नागपुर प्रोडक्शन इनपुट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भुवनेश्वर क्लाइमेट चेंज मोबिलाइजर भुवनेश्वर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भुवनेश्वर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर न्यू दिल्ली एम मैनेजर और प्रोग्राम भुवनेश्वर रिसर्च एंड एवलेसन एसोसिएट न्यू दिल्ली सबका लास्ट डेट पच्चीस नवंबर और साथ ही तीस नवंबर है अट्ठाईस और तीस नवंबर तो इसमें काफ़ी वक्त है न्यू ईयर का टाइम सेटिंग होता है तो आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने कम से कम पंद्रह वैकेंसी की चर्चा की जिसमें से दस ऐसी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क फेटर्निटी अप्लाई कर सकता है चलिए आपको दो तीन और दिखा देती हूँ मैं नेक्स्ट वैकेंसी आपको मैं दिखा दूँ जिसको कोई सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं वो न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए है जॉब आइडेंटिफिकेशन नंबर वन है डेट ऑफ पोस्टिंग जो है वो एट्थ ऑफ़ नवंबर था और लास्ट डेट की बात करें तो आप इसको 22 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं ये जो पोजीशन है इस पोजीशन के लिए यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं आप देख सकते हैं व्हाट आर द कॉम्पिटेंस लाइक कॉपरेट कैसा होना चाहिए फंक्शनल कैसा होना चाहिए रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट आना चाहिए पार्टनरशिप के साथ वर्क करने आना चाहिए दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस लाइक एजुकेशन इज मास्टर डिग्री और हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन इन इन्वायरमेंट साइंस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी यानी कि यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस दिया गया है तो इसको एम एस डब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एम एस डब्ल्यू एक सोशल साइंस का स्ट्रीम है बात करें एक्सपीरियंस की तो एटलीस्ट सेवन ईयर ऑफ रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस नेशनल लेवल इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सात साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या फिर इन्वामेंट पे या पाँच साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट लेवल पे तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कई सारे वैकेंसी आप ईच एंड एवरी वैकेंसी को ओपन करके देख सकते हैं और आपके एलिजिबिलिटी को जो सूट करे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे ये वैकेंसी है जिसमें डायरेक्ट सोशल वर्क का नाम दिया गया है पोस्ट का नाम है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए और ये लोकेशन भुवनेश्वर के लिए मांगे गए जिसमें से यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डायरेक्ट मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क है जो जॉब आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो है वन फाइव फोर सिक्स एंड लोकेशन भुवनेश्वर होगा और आप इसको पच्चीस नवंबर से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड दिया हुआ है एक साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे कंपल्सरी मांगा गया है यहाँ पे बैकग्राउंड दिए गए हैं यू के बारे में चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं कि आपको किस तरह का ड्यूटीज मिलेगा इस पोस्ट के अंदर चलिए यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट इन स्किल एंड एक्सपीरियंस में दिया गया है कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है एम बी ए रूरल मैनेजमेंट और मास्टर इन सोशल वर्क और एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस यानी कि एम एस डब्ल्यू वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम फाइव ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग होना चाहिए एक्सक्यूचिंग होना चाहिए एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज प्रफरेंस यानी कि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास पाँच साल का होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन किसी भी फील्ड में बट अगर आपके पास प्लानिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेकर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रिफ्रेंस मिलेगा यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इज डिजराइबल यहाँ पे डिजराइबल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है कि आप ऑलरेडी उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो बट ये कंपलसरी नहीं है ये डिजराइबल क्वालिफ़िकेशन है लैंग्वेज की बात करें तो उड़िया एंड इंग्लिश आपको आना चाहिए इस तरह से आप जाके अप्लाई ना हो पे जा अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर जॉब वैकेंसी भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप सर्च करते हैं तो इस तरह से आपको सर्च करने में भी आसानी होती है तो गाइज़ यहाँ पे कई सारी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क फर्टर्निटी अप्लाई कर सकता है आप एक एक को ओपन करके देखिए उससे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कीजिए और अप्लाई कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए गाइज़ और सपोर्ट कीजिए थैंक यू